और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। अभी तक हम सुनते आए थे कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, लेकिन अब बहुत तेजी से ये सुनने में आ रहा है कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। क्या बेटा, समझ में आया? मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और कैसे बना था पाकिस्तान? पाकिस्तान के माँ बहन। कि ये जो सब डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, इकॉनमी तेजी से ग्रो हो रही है, इसमें मोदी, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का मैजिक है या फिर उनकी अपनी, लोगों की अपनी एफर्ट की वजह से ये सब डेवलपमेंट हो रही है? शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक आपने रब्ता किया था अलकायदा के साथ कि हमारी पंजाब हुकूमत ने अटैक न किया, ये विकीलीक्स में आया तो। जैसे तेजी से उनके रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होते नजर आ रहे हैं, दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और आने वाले 2-3-4 साल में शायद दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो कैसे हो IML देखने वालों? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुना है IML पर हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो मैंने आज बंटी सर को मंगा लिया। आप लोग इतना प्यार देते हो मेरे को, थैंक यू उसके लिए, थैंक यू। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आजकल क्या चल रहा है पता नहीं, भारत की डेवलपमेंट और पाकिस्तान की जलन। भारत को जब पूरी दुनिया सराह रही है हर फील्ड में, और भारत पांचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनी गया, साथ में तीसरी नंबर की भी बनने वाली है, इससे पाकिस्तानियों को कितनी जलन होती है वो ही आज अपन वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो करना मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हर बंदा आता है अपने घर को देखता है, अपनी बिरादरी को देखता है, किसी को देखता ही नहीं है। ज्यादा के बाद एक रेट पे किसी को चीज मिली नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है कि दूसरी दुनिया, पूरी दुनिया खास और इंडिया की अगर बात करें उधर भी है? हमारे जेन के मुताबिक काश मैं 2 जमातें पढ़ा होता, किसी को मैं बताता, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। लेकिन किसी मुल्क में नहीं जो हमारे मुल्क में है। ये प्लेट कितने की आप दे रहे हैं? ये बेटा, मैं 9 साल पहले इधर आया था, चने 40 रुपए किलो थे। ठीक है, अब 400 रुपए किलो है। उस टाइम भी 50 की थी, इस टाइम भी 50 रुपए की थी। ये आप दे रहे हैं वैसे कितने? 41 साई पाकिस्तान के अंदर जो वैसे ये कितने की मिल रही है? मतलब ऑलमोस्ट इतनी प्लेट कितने की मिलती है? 120 रुपए की, 150 की वहाँ बेच रही है। ठीक हो गया। लेकिन अल्लाह के सदके मैं 9 साल से एक रेट पे बता रहा हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ। भाई दुनिया में कोई रब की जात है तो वो मेरे पास है, जो मुझे 9 साल से एक रेट पे चला रही है। और जिया के बाद किसी को एक रेट पे चीज मिली और तो मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। थल्ला तबके को रिजक मिलना चाहिए। एक बंदे की 1200 रुपए दे रही है, उसका घर का 1800 रुपया खर्चा, वो 500 किधर से लाएगा? बच्चे को कैसे स्कूल पढ़ाएगा? वो तो बाद की बात है, वो अपने बच्चों को इस टाइम खुराक पूरी नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन ये हुकूमत का काम है, आवाम को नीचे रोटी पानी क्लियर मिलेगा और बादशाह की जय जयकार होगी। अगर मिली नहीं रहा तो कौन सा बादशाह, कौन सा हुक्मरान? हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, गुंडा राज है। जो आता है वो कहता है मुझे दे बस, किसी का कोई आवाम का खुशी का कुछ भी नहीं है। वो कहता है चंगी लगे, मंदी लगे, रात को दियारी लगे, लगनी चाहिए। यही बात, लेकिन नहीं, बात आप कर रहे थे कि भाई वो हुक्मरान अपना सोचते हैं, पब्लिक का नहीं सोचते, यही बात ही अंकल जी कर रहे हैं। पहले भी आपसे वही बात की थी कि जब तक पॉलिटिशियन में आप मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे ना, सबसे पहले आते हैं जो मैंने तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए लगाया है, जो MNA बनने का है, जो भी पहले मैं उसको पहले वो कवर करना है, उसके बाद जिनसे मैंने वादे किए हैं झूठे उसको करना, फिर तीसरा वो करना, आखिरी साल के जस्ट चंद सेकंड जो महीने होते हैं ना उस पे जाके वो खोदगी पे भी जाते हैं, वो भी गलियां शलियां पक्की करनी है, स्कूल एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करना, वो भी वोट के लिए। अच्छा अंकल, ये जो आलू है, ये आलू कितने रुपए किलो मिल रहे हैं आजकल? बेटा आजकल मिल रहा है, जो सही आलू है वो 100 रुपए किलो दे रहा है, जो देखने के काबिल नहीं है वो 50-60 रुपए बेच रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, या जहाँ से भी, बताइएगा आपके इलाके में आलू का क्या रेट? हाँ तो भाई, इंडिया में तो आलू 20 या 30 रुपए किलो होंगे। अच्छा, यही अगर हमारी ट्रेड ओपन होती है, यानी तिजारत हो जाती है इंडिया के साथ, आलू सस्ता हो जाएगा, होनी चाहिए तिजारत या नहीं? अपने मुल्क की होनी चाहिए, गैर मुल्क की, गैर मुस्लिम को हम नहीं मानते।
जाहिल मुस्लिम गैर चीज को नहीं मानता, ये हुक्मरानी ऐसे हैं जो मुस्लिम के काम है वो हिंदू के पास है, जो हिंदू के काम है वो मुस्लिम के पास है। जाहिल 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 इस सोच पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हम गैर मुस्लिम से तिजारत नहीं करेंगे या ट्रेड नहीं करेंगे, ये मतलब आज के टाइम में ये दुनिया में ये सोच चल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकती। इसकी रीजन ये है तो जो आप ऑरेंज ट्रेन से लेके जितनी भी बसें कारें बाइकें तो है ही सारी गैर मुस्लिम की। ये इस तरफ तो बात कर दी, इधर अगर कैमरामैन कैमरा घुमाए, ये जितनी भी चीजें हैं, ये ओप्पो ये भी बाहर से, वो सुजुकी की गाड़ी खड़ी वो भी बाहर से, टोयोटा खड़ी बाहर से, ये कंपनी कुछ ये सब कंपनी बाहर से, तो ये मुस्लिम की है? नहीं, ये बात मुस्लिम से, इसमें कोई भी आप वो रिलीजन नहीं लेके आ सकते। मसला सिर्फ ये है कि आपने कुछ नहीं करना, ये बात आगे कर देनी है। हाँ। मतलब ये है कि ठीक है, अब मुल्क से तजारत होनी चाहिए, मैं एक पर्सनली अगर आवाम का बेनिफिट हो रहा है ना, एग्जांपल है कि अगर कोई भी चीज जैसे प्याज है पीछे 350 रुपए किलो गया था, ठीक है, उफ, 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 क्या जुल्म ढा दिया, किस वजह से गया था, पोर्ट में तकरीबन आई थिंक 3-4 माह वो 5 माह तक वो फंसा रहा है प्याज, ठीक है, 300 रुपए 350 रुपए पर केजी में खुद लेकर आए और जुल्म अब भी जारी है, ठीक है, और यही वही प्याज किलोमीटर जी, अब वही प्याज अब जो है ठीक 6 माह बाद जो है 50 रुपए का किलो है, ठीक है, यानी कि खुद साख्ता ये महंगाई है। ये आपकी बात का जवाब अभी आपको मिल गया, ये महंगाई नहीं है, ये खुद साख्ता है। एक उतनी महंगाई जो ओवरऑल हर जगह पे होती है, एक उतनी महंगाई जो खुद की जाती है अपनी गलत पॉलिसी की वजह से। अच्छा लगा जी बात करके, यही चीजें हैं, जब एजुकेटेड लोगों से बात की जाए तो उनकी ऐसी ओपिनियन होती है, लेकिन कुछ लोगों से जब बात करते हैं उनमें उनकी मिस्टेक नहीं, एजुकेशन ना होने की वजह से वो कोई भी बात करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक की, यूथ की, एजुकेटेड लोगों की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी पॉलिसीज पे काम करने की जरूरत है, अपने रिलेशन तमाम कंट्री से बेहतर करने की जरूरत है, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। महंगाई अगर कम हो सकती है तो इसी सूरत कम हो सकती है। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। और चाचा पहले से ही बात कर रहे थे कि इनके लीडर पैसा खा जाते हैं, महंगाई को कम करने की कोशिश नहीं करते। अभी IMF से इनको भीख मिली है, उसका भी देखना ये लोग, इनके लीडर। मरियम बीबी गुच्ची की बैग लेगी, रोलेक्स की घड़ी लेगी, लेकिन जनता की नहीं सोचेगी। और जो चाचा ने कहा कि भाई इनको ट्रेड गैर मुस्लिम यानी हिंदू या और धर्म के लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर चाचा की एजुकेशन की दिक्कत है। काश चाचा आप मदरसे में नहीं पढ़े होते। अबे साले। तो ये था वीडियो, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, लव यू। तो कैसे हो IML देखने वालों? आई आप आगे उच्चाइया सॉरी दोबारा से